क्या रेडिएटर के सामने में जो ये पंखा लगा रहता है, क्या ये उल्टा घूमता है? और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पंखा लगाते हैं तो पंखा उसके ऊपर हवा फेंक कर उसको ठंडा करता है। लेकिन क्या रेडिएटर के सामने में जो पंखा लगा होता है ये भी रेडिएटर के ऊपर हवा फेंकता है? और अगर नहीं फेंकता है तो फिर रेडिएटर को ठंडा कैसे करता है, रेडिएटर ठंडा कैसे करता है, वो इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रेडिएटर के सामने जो पंखा लगाया जाता है वो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ठंडा करता कैसे है, थोड़ा अलग तरीके से करता है। अगर मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊँ तो जैसे घरों में एग्जॉस्ट फैन होता है, जैसे वो किसी एक आदमी के ऊपर हवा तो नहीं फेंकता है लेकिन घर के ऊपर की साइड में जितनी भी गर्म हवा होती है उसको वो घर से बाहर फेंक देता है, कमरे से बाहर फेंक देता है। और इससे ये होता है कि जो फ्रेश हवा होती है, ताज़ी हवा होती है, वो कमरे के अंदर आती है, घर के अंदर आती है और उसको पूरे घर को, पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। तो इसी तरह से काम करता है रेडिएटर के सामने जो ये पंखा लगा रहता है पीछे की साइड में, ये क्या करता है, रेडिएटर पे तो हवा नहीं फेंकता है लेकिन रेडिएटर के पास जो गर्म हवा होती है उस गर्म हवा को दूसरी साइड में फेंक देता है। इससे ये होता है कि सामने की साइड में जो फ्रेश हवा है वो उस पर पड़ पाती है और रेडिएटर ठंडा हो पाता है। अब आपके मन में यहाँ एक सिंपल सा सवाल आ सकता है कि जब हम किसी भी चीज़ से, पंखे से किसी चीज़ पर हवा फेंक के ठंडा कर सकते हैं, तो फिर इस पंखे को ऐसे भी तो लगाया जा सकता था ताकि ये पीछे की साइड से रेडिएटर पर हवा फेंक कर उसको ठंडा करे। तो इसको समझते हैं। इसका आंसर ये है कि देखिए, आपकी गाड़ी दो कंडीशन में होती है। पहली तो कंडीशन ये रहती है कि गाड़ी आपकी नहीं चल रही है, इंजन आपका स्टार्ट है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट है और आपकी गाड़ी चल भी रही है। तो पहली कंडीशन लेते हैं कि जब आपकी गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट है लेकिन आपकी गाड़ी चल नहीं रही है। देखिए, इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी चल नहीं रही है, इंजन स्टार्ट है, तो यहाँ पर ये बोनट आपका रखा रहता है। अब यहाँ पर कितनी जगह बची हुई है जहाँ पर हवा होगी, आप खुद देखिए, थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर बची हुई है। और इस थोड़ी बहुत जगह में जितनी भी हवा होगी वो भी इंजन, ये आपका गर्म रहता है, यहाँ पे पूरा इंजन की गर्मी की वजह से वो हवा भी पूरा गर्म हो जाएगी। तो अगर ये पंखा जो है, ये पंखा यहाँ पे लगा हुआ है, अगर ये पंखा यहाँ से हवा खींच के और इधर की साइड में भेजेगा तो क्या होगा, यहाँ से गर्म हवा फेंकेगा क्योंकि यहाँ पे तो इंजन चल रहा है, इंजन गर्मी पैदा कर रहा है और वो गर्म हवा ही वो रेडिएटर के ऊपर फेंकेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है रेडिएटर को ठंडा करने वाला वो हमारा सही मीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये गर्म हवा फेंकेगा तो उसको कैसे ठंडा कर पाएगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चल रही है, किसी हाईवे पे आप जा रहे हैं और किसी भी स्पीड पर आपकी गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कि 70-80 की स्पीड पर आपकी गाड़ी चल रही है। तो 70-80 की स्पीड पर अगर आपकी गाड़ी चलती है तो सामने से जितनी स्पीड पर आपकी गाड़ी चलेगी उतनी स्पीड पर रेडिएटर के सामने में जो हवा लगेगी वो एक तूफान की भांति काम करती है। अब आप ये सोचिए कि कोई सामने से आंधी तूफान आ रहा है, उसके सामने अगर आप कोई छोटा सा पंखा लेके, सामने से आपके आंधी तूफान आ रहा है और उस आंधी तूफान के सामने आप कोई छोटा पंखा लेके और उसके विपरीत दिशा में अगर हवा डालने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या आप तूफान के विपरीत दिशा में एक छोटे से पंखे से हवा डाल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। बल्कि क्या होगा, आप जो तूफान की उस गति है, हवा जो आ रही है, उसमें थोड़ा बहुत अवरोध ही उत्पन्न कर पाएंगे, बाकी उससे आप विपरीत दिशा में हवा नहीं डाल पाएंगे। तो यही होता है यहाँ रेडिएटर के साथ में। रेडिएटर के जो पीछे जो पंखा लगा है वो अगर इस दिशा में हवा फेंकेगा तो क्या होगा, सामने से जो 70-80 की स्पीड पर जो हवा आ रही है उसको और उसके रास्ते में और बाधा उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। और अवरोध उत्पन्न करने से क्या है, सामने से जो हवा पड़ के आपका रेडिएटर ठंडा हो रहा था, अब वो भी ठंडा होने में, उसको ठंडा होने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो उद्देश्य था कि रेडिएटर को ठंडा किया जाए वो हमारा मीट नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत दिशा में अगर हम पंखे को ऐसे लगा देते हैं कि पंखा भाई इधर से हवा खींचेगा और उस इंजन की साइड में फेंकेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सामने से जो हवा पड़ रही है, यहाँ पे फिन्स पे जो हवा पड़ रही है इधर रेडिएटर पे, यहाँ पे तो ठंडा करेगी करेगी, ये पंखा जब उस हवा को अंदर खींच लेगा तो उसके अंदर जाने में और ज़्यादा ईजी हो जाएगी और वो हवा जहाँ जहाँ से पास होगी पीछे की साइड में भी जाएगी तो वहीं वहीं पर इन फिन्स को जल्दी से ठंडा कर पाएगी। और इसका दूसरा एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जब ये पंखा पीछे इंजन की साइड में जब हवा फेंकेगा तो फ्रेश वो ताज़ी हवा का तापमान अंदर जो हवा है उसके मुकाबले कम रहेगा। इससे ये होगा कि अंदर जो जहाँ जहाँ पे भी वो हवा पड़ेगी इस केबिन में इंजन के ऊपर, वहाँ पे भी बाहर से वो इंजन के पुर्जों को ठंडा करेगी कुछ हद तक। तो यही कारण रहता है कि जब भी रेडिएटर के पीछे जो फ़ैन होता है वो हमेशा उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब वो रेडिएटर पे के सामने तो लगा रहता है पीछे की साइड में लेकिन उस पर हवा नहीं फेंकता, बल्कि
रेडिएटर के सामने से हवा खींच कर और पीछे इंजन की साइड में फेंकता है, तो इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।